डिस्ट्रिक्ट का उद्देश्य ये है, हम लोगों ने इसको स्मार्ट सिटीज को देखते हुए बनाया। जैसे कि मोदी जी इतने सारे न्यू न्यू डिजिटल इंडिया में ला रहे हैं, वैसे हम लोगों ने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाया। ये जो है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जन्मजात अंधे होते हैं और कुछ लोग आगे चल के किसी एक्सीडेंट वगैरह से अंधे हो जाते हैं, तो ये उनको बहुत हेल्प करेगा। पहले ये सब नहीं था तो उनको दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कहीं जाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये बनाया, इससे उनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर चिप लगाए हैं, ट्रांसमीटर लगाए हैं, 9 वोल्ट की बैटरी है जो वॉइस रिकॉर्डर चिप को चलाने के लिए, और एक फ्लैश लाइट लगाए हुए। जो वॉइस रिकॉर्डर चिप है ये मतलब उनको रास्ता बताएगा कि मतलब जहाँ जाना होगा वहाँ का रास्ता बताएगा। और जो फ्लैश लाइट है वो हम लोगों ने इसलिए लगाया हुआ है ताकि रात में अगर उनको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो सामने से कोई व्यक्ति आएगा तो उनको तो दिखेगा नहीं अगर लाइट नहीं रहेगा, और जब वो लाइट ऑन कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सामने से कोई आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फ्लैश लाइट लगाए हुए। और ये जो वॉइस रिकॉर्डर चिप है वो मतलब जहाँ जिस प्लेस पर हमको जाना होगा वहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा रहेगा जो उसको मतलब कनेक्ट करेगा। तो इसकी जो रेंज है वो 2 से 2.5 मीटर तक है। जब 2 से 2.5 मीटर के रेंज में हम लोग जाएंगे तो वो कनेक्ट करके उनको बता देगा, और जैसे हम मतलब जहाँ हमको जाना रहेगा, चाहे मंदिर चर्च जहाँ पे भी जाना रहेगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो इसमें से एक अलग आवाज़ आएगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम पहुँच गए हैं। सर, इसको बनाने में 1 हफ्ते तक लगे, और सर अभी हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया तो इसमें रिसर्च वगैरह करना पड़ा, तो 2 से 3 हज़ार लगे थे, लेकिन जब हम लोग इसको मतलब ओरिजिनल बनाएंगे तो मिनिमम 600 से 700 में आ जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसी स्टिक बनाई जिसमें उन्होंने ट्रांसमीटर सेट किया है और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। जो पूरा मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है कार्य करने की स्टिक की, वो ये है कि जो व्यक्ति लेकर के चलेगा इस स्टिक को, जब वो अपने ऑब्जेक्ट कहीं भी उसके रास्ते, जैसे अंधा व्यक्ति जब चलता है तो उसके साथ कोई नहीं रहता तो वो समस्या आती है। वैसे प्रैक्टिस करके वो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं चलने का भी, फिर भी समस्या रहती है कि कैसे वो कहीं लड़ जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो और भी फर्दर उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो बच्चों ने देखते हुए ऐसे जो जिस स्टिक में जो कार्य प्रणाली बनाई है वो ये है कि इसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, रिसीवर लगा हुआ है, और अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से ये जब भी कोई व्यक्ति इसको लेके चलेगा तो उसमें एक बटन लगा हुआ है स्टिक में, अभी आप देखेंगे कैसे वो कार्य करता है। तो जब उसको प्रेस करेंगे तो जहां जब वो पहुंचने वाला होगा अपने गंतव्य पे, जैसे कहीं भी जाना उसको, तो वहां पर जो ट्रांसमीटर है उससे कनेक्ट करते हुए उसको एक वॉइस सुनाई देगी कि आप सही दिशा में हैं या गलत दिशा में हैं या अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टिक है वो आत्मनिर्भर बनाएगी अंधे व्यक्ति को, वो तो डिसेबल है बेचारा, दिव्यांग है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के शरण में भी जाना चाहता है तो आसानी से जा सकता है और आत्मनिर्भर रूप से जा सकता है, किसी के ऊपर वो निर्भरता नहीं रहेगी।